12:33 में आपको जब खबर पहुंची है, 12:50 में आइए, मेरे रूम में नहीं किया। अगर एसपी साहब को फोन नहीं किया रहता नरेश भैया 12:50 में, 12:40 में किए, 10 मिनट में ही आ गए, 5 मिनट समय दे दिया उसको अपराधी को भागने का, आधा सीढ़ी पर से अपराधी भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क। बैरगिनिया में डकैतों ने घर वालों को बंधक बनाकर अर्धरात्रि को किया लूटपाट। बैरगिनिया नगर के अबकारी चौक निवासी नरेश कुमार पत्रकार के चचेरे भाई राकेश प्रसाद के घर में बुधवार की रात्रि 12 बजे करीब एक दर्जन से अधिक सशस्त्र अपराध कर्मियों ने राकेश के घर में घुसकर घर के सदस्यों को बंधक बना लिया और आभूषण नगदी सहित अन्य सामग्री लूट कर ले गए। अपराध कर्मियों ने राकेश के पड़ोसियों को घर के बाहर ताला मार दिया था ताकि कोई बाहर न निकले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की, परंतु अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद, बने रहिए तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क, चंदन पाठक के साथ। लेकिन डिटेक्ट कहेंगे अपने गार्जियन से कि 3 दिन में हम लोगों के सामने अपराधी को ले आ दीजिए, एकदम आ जाए, एकदम। आपका सर, आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपके व्हाट्सएप पे जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनका, हम आपको पोस्ट कर रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। हम इस थाना प्रभारी के संरक्षण में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक बार पहले भी हुआ था तो आप लोगों को हम कर दिए थे और कार्रवाई हुई, इसमें कतई भी मत नहीं है। आप लोग इनके समय की बात, अमिता सिंह की बात हो रही है, ये मिनट समय। अरे राकेश, जहाँ हत्याकांड हुई थी उसमें सर बोले थे इसी यही पे ही है, इसी चबूतरे पर, ठीक है, कार्रवाई हुई तो वही सर अपना आश्वासन सर दे दिया जाए। एक बार आपके आपके सर क्या आश्वासन है? अगर थाना प्रभारी की लापरवाही होगी निश्चित रूप से पूरी लापरवाही पुरुष तो दिखिए प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कौन और ज्यादा केस होता है इस छुट्टी पर जाते हैं पर दुनिया में कोनो न कोनो कांड होता है ना। और सर इनका एक रिकॉर्ड भी है, ट्रैक रिकॉर्ड है बैरगिनिया का, जब जब ये छुट्टी पे जाते हैं बैरगिनिया में कोई कांड होता है। तो पहली बार बैरगिनिया में रहते हुए डकैती हुआ है, नहीं तो जब भी छुट्टी पर जाते हैं यहाँ कुछ ना कुछ होता है, एकदम होना है। पिछले एक महीना में आना से एक दिन में निकलते नहीं बाहर में, घूमते हैं। पूछ लिया जाए ना कि थाने प्रभारी पहचानते हैं, हम उपाध्यक्ष हैं और हम उनको देखते हैं, कहीं भी आते हुए हम देखते हैं। सीतामढ़ी से 1 घंटा में पहुंच गए, थाना से पहुंचने में आधा घंटा, 3 किलोमीटर वर्सेस 30 किलोमीटर, इतना इतना टाइम लगता है। पहुंच गए 1 घंटा में सर, पहुंचे सारा बात सर को हम बताए। हमारा यही कहना है कि उद्भेदन को जो कहा एकदम होना चाहिए, ऐसा घटना नहीं घटना चाहिए। सबसे बड़ा चीज हमको शंका इसलिए हुआ, हम प्रशासन जिससे बड़ा बाबू है उसी समय बोले कि आपकी मिली भगत से हुआ है, हमारे हम लोग दूए भाई थे, सही बात, दोनों भाई बोले उसमें प्रशासन भाग गया, उसमें कोई लोग नहीं आए, हमको एकदम आपसे हुआ है। आपको जब 12:33 में आपको जब खबर पहुंची है 12:50 में आइए, मेरे रूम में नहीं किया, अगर एसपी साहब को फोन नहीं किया रहता नरेश भैया 12:40 में किए, 10 मिनट में ही आ गए, 5 मिनट समय दे दिया उसको अपराधी को भागने का, आधा सीढ़ी पर से अपराधी भाग भाग गया। अगर एसपी साहब को नहीं फोन किया तो पूरा क्राइम हो के तब थाना प्रभारी आते। हमको लगता है पूरा क्राइम हो जाता तब हुआ है, पर आप चाहते हैं लगता है तो सही लग रहा है ना सर, सेफ नहीं है लग रहा है, वी आर नॉट सेफ इन द रिजिम ऑफ ऑफिसर इंचार्ज रणवीर कुमार झा, आज भी तो उंगली जोड़ रहे हैं और उद्भेदन करने की कोशिश किया जाए।
हम लोग इनके रिजिम में सुरक्षित नहीं कर पाए। अपना ये दो आश्वासन सर दे दीजिए, द मीटिंग इज रिजॉल्व। कैसे आप जानते हैं? मार देता है आपके दिल में, मार देता है, बच गए ना सर। आपको नहीं लग रहा है? हम लोग किसी पर, हम लोग बैठ के क्लास, हम लोग किसी को सर, किसी को हम लोग सर चार्ज करते हैं? हम लोग बर्दाश्त के तीन महीने पहले सर इनके घर में घुसे थे बिना किसी कारण के, बिना कोई केस के, बिना किसी कारण के घर में घुसे। विमल शुक्ला जी को फोन किया, अपने चार बार फोन किया, लेकिन वो नहीं बता पाए कि कौन सा केस है। तीन महीना पहले आपके घर रेकी करने घुसा था। बंधु जी का इलेक्शन होता है तो हम पर कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर, आप पर घर विरोध लिखवा गया है, आपके विरुद्ध हो गया कि साठ गांठ करके हमसे आप दिनबंधु जी को मदद करते हैं।